भूख लगी? ऑनलाइन महंगा ऑर्डर देके परेशान हो? तो आ जाओ फूड टैंगो पे, जहां से आप मुमरा के सारे रेस्टोरेंट, सारे ढाबे, सबकी फूड ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो, वो भी औरों से सस्ते प्राइस में। वाओ! सिर्फ इतना ही नहीं, आपको मिलेंगे फ्री होम डिलीवरी, शॉपिंग कूपन, आपको और आपके फैमिली को वाटर पार्क जाने का मौका और ढेर सारे ऑफर्स। क्या बात है! तो आज ही प्ले स्टोर से फूड टैंगो ऐप डाउनलोड करें, ऑर्डर दे, अपनी टाइम और पैसा दोनों बचाए। ऑर्डर एट फूड टैंगो नाउ। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। दरअसल पति ने बर्थडे के मौके पर पत्नी को दुबई नहीं ले गया तो नाराज होकर पत्नी ने पति के नाक पर ऐसा मुक्का मारा कि पति की मौत हो गई है। ये सनसनीखेज मामला महाराष्ट्र के पुणे शहर से सामने आया है। मृतक पति का नाम निखिल खन्ना बताया जा रहा है और पत्नी का नाम रेणुका खन्ना है। निखिल रियल इस्टेट में डेवलपर का काम करते थे। बताया जा रहा है कि रेणुका के जन्मदिन सितंबर महीने में था और रेणुका दुबई में जाकर अपना जन्मदिन मनाना चाहती थी, लेकिन उसके पति निखिल खन्ना ने दुबई नहीं लेके गए। और इसी महीने की शुरुआत में रेणुका के शादी की सालगिरह भी थी, मगर पति से रेणुका को उम्मीद थी कि कोई अच्छा सा गिफ्ट मिलेगा, लेकिन मनपसंद गिफ्ट रेणुका को नहीं मिला। इसके वजह से रेणुका काफ़ी नाराज़ थी और इसी बात को लेकर दोनों के बीच में वाद विवाद हुआ और ये वाद विवाद इतना बढ़ गया कि पत्नी ने गुस्से में आकर पति के नाक पर मुक्का मार दिया, जिसकी वजह से पति निखिल के नाक से खून बहने लगा और वो नीचे ज़मीन पर गिरकर बेहोश हो गया। जानकारी मिलने पर मौके पर पुलिस भी पहुंची और निखिल खन्ना को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया है। वहीं पुलिस का कहना है कि चेहरे पर झटका लगने की वजह से निखिल ज़मीन पर गिरा, हो सकता है कि ज़मीन पर गिरने की वजह से सर में भी चोट लगी हो और नाक पर मुक्का लगने की वजह से नाक भी फ्रैक्चर हो गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की असली वजह साफ हो पाएगी, लेकिन पुलिस ने पति पर मुक्का मारने वाली पत्नी रेणुका को गिरफ्तार कर लिया है और आगे इस पूरे मामले की तहकीकात कर रही है।